आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है, जिला कुल्लू के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी से निवेदन रहेगा कि आरोग्य सेतु ऐप को जो है डाउनलोड करें और अपने आप को कोविड से जो है वो दूर रखें। आरोग्य सेतु ऐप जो है अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना एक बहुत अच्छा और अनिवार्य चीज़ जो है मैं कहूँगा है। आज की डेट में हमने इस चीज़ को सुनिश्चित भी किया है, अपनी आशा और अपने जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपितु जो हमारे बॉर्डर हैं कुल्लू के, जो जिस तरह से बजौरा है, लारजी है या लूरी है या जगात खाना है, यहाँ से भी हमने लोगों को, जब वो लोग कुल्लू जिला के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमने उनको इस चीज़ को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सभी लोग जो हैं जो हमारी आरोग्य सेतु ऐप है उसको डाउनलोड करें और अपने आप को जो है कोविड से जो है दूर रखें। बाकी तक हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक ई संजीवनी जो सॉफ्टवेयर है उसको भी लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बताना चाहूँगा कि जितने हमारे जिला कुल्लू के अंदर जो लोग हैं वो ई संजीवनी को जो है पोर्टल को जो है उसमें जाएं और उसके माध्यम से घर बैठे जो है मात्र जो अपना सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ही अपने आप को शिमला बैठे हुए जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि ई संजीवनी जो है वो एक तरह से ओपीडी बेस्ड कंसल्टेशन है। तो ये कंसल्टेशन के बाद जो है हर व्यक्ति, जिस तरह से हमने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य विभाग लोगों के घर द्वार उनकी सेवा के लिए तत्पर है, उसी कड़ी के तहत ई संजीवनी जो हमारी ओपीडी बेस्ड सर्विसेज हैं वो घर बैठे ही ऑनलाइन जो है अपनी कंसल्टेशन जो है ले सकते हैं सभी लोग और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं घरों में और अपना स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं।